एक ऐसा खूबसूरत देश जहां चाय पी नहीं खाई जाती है। इस देश को गोल्डन लैंड के नाम से भी जाना जाता है, जहां सोने के स्तूपों, मंदिरों और पैगोडों की कमी नहीं है। लेकिन देश में भ्रष्टाचार इतना ज्यादा है कि छोटे से छोटे काम के लिए भी अंडर द टेबल मनी देनी पड़ती है, तब जाके वहां के लोग हिलते हैं, कुछ काम होता है। ये देश भारत और चाइना के बीच में बैरियर स्टेट का काम करता है और यहां के लोग कुछ ज्यादा ही अंधविश्वासी हैं। सोमवार हो या शुक्रवार, देश में नहीं 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 बाल नहीं कटवा सकते हैं, फिर चाहे जन्मदिन ही क्यों ना हो। यूं तो देश जवान है, लेकिन आलस यहां की सबसे बड़ी बीमारी है। इस देश की राष्ट्रीय बियर भी है और यहाँ सभी लोग लुंगी पहनना सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं म्यांमार देश की, तो चलिए चलते हैं एक साथ म्यांमार के सुहाने सफर पर। लेकिन हाँ, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वो वाला बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। दोस्तों, म्यांमार का टोटल भूमि क्षेत्र 6,76,579 वर्ग किलोमीटर का है। देश की सीमाएं उत्तर पश्चिम में भारत और बांग्लादेश के चटगांव प्रांत से लगती हैं। उत्तर में देश तिब्बत और चीन के साथ सबसे लंबी सीमा बनाता है, जबकि दक्षिण पूर्व में लाओस और थाईलैंड देश है। आधिकारिक तौर पर म्यांमार को द रिपब्लिक ऑफ यूनियन ऑफ म्यांमार कहा जाता है। आज भारत से शुरू होकर बौद्ध धर्म पूरी दुनिया में फैल गया है, लेकिन म्यांमार बौद्ध धर्म से कुछ ज्यादा ही प्रेरित हुआ है। देश की कुल आबादी करीबन 5,49,64,600 की है और इस आबादी का 87.9% हिस्सा बुद्धिस्ट है, जिस नजरिए से बौद्ध धर्म देश का सबसे बड़ा धर्म है। इसके अलावा यहाँ ईसाई, मुस्लिम, हिंदू जैसे धर्म माइनॉरिटी में। वैसे कई लोगों को ये बात समझ में नहीं आती है कि म्यांमार और बर्मा अलग अलग हैं या फिर एक हैं। तो बॉस, कहानी ऐसी है कि म्यांमार ही बर्मा है और बर्मा म्यांमार का पूर्व नाम है जो इसे अंग्रेजों ने दिया था। लेकिन आजादी के बाद 1989 में देश की सैनिक सरकार ने इसे बर्मा से म्यांमार बना दिया, क्योंकि सरकार का कहना था कि हम अंग्रेजों की दी हुई कोई भी चीज या नाम लेना ही नहीं चाहते। नाम के मामले में देश ही नहीं, राजधानी का भी मिला जुला हाल है। देश की कैपिटल सिटी का नाम कई बार बदला गया, जैसे कि पहले रंगून, फिर यांगून और फिलहाल के लिए कैपिटल सिटी है नेपिडाउ, जो म्यांमार का तीसरा सबसे बड़ा शहर है। ये देश चीन और भारत के बीच में बैरियर स्टेट का काम करता है। म्यांमार को एक यंग कंट्री कहा जाता है क्योंकि देश की औसतन उम्र 29 साल है, यानी कि देश में जवान लोगों की कोई कमी नहीं है। बस कमी है तो कुछ करने की चाहत की। लेकिन यहाँ के लोगों को दुनिया के सबसे आलसी लोगों में शुमार किया जाता है। युवा बड़े बड़े ख्वाब तो देखते हैं, लेकिन जब उन्हें पूरा करने की बारी आती है तो भगवान के भरोसे छोड़ देते हैं कि भगवान जो देंगे सब ले लेंगे। यही कारण है कि म्यांमार आज भी काफी पीछे और शायद आने वाले समय में भी ऐसा ही रहने वाला है। दोस्तों, इस देश को पाकिस्तान का जुड़वा भाई कहें तो कुछ गलत नहीं होगा। देश में लोकतंत्र तो है, इलेक्शन भी होते हैं, लेकिन सिर्फ कहने को। बाकी कभी भी सेना तख्ता पलट करके अपना शासन जमा सकती है, जैसे कि 2021 में हुआ। सेना ने आन सांग सू की समेत कई नेताओं को हिरासत में लिया और सत्ता अपने हाथ में लेने का ऐलान कर दिया कि भैया आज से देश हम चला रहे हैं। लेकिन ये पहली बार नहीं है। साल 1962 तक म्यांमार ने सेना का शासन झेला, फिर 2021 में भी 5 दशक पुराने सेना के शासन को उखाड़ फेंका और अब एक बार फिर से वही हुआ। इस तरह से सबसे लंबे समय तक सेना का शासन झेलने वाला म्यांमार इकलौता देश है। अब आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन म्यांमार की 30% महिलाएं ऐसी हैं जिन्हें शादी के बंधन में बंधना पसंद ही नहीं है। वो शादी के शब्द से ही नफरत करती हैं और पूरी जिंदगी कुंवारी रहकर बिताती हैं। सिर्फ महिलाएं ही नहीं, देश के ज्यादातर पुरुष भी शादी से दूर भागते हैं। देश की महिलाओं से जुड़ा एक और अजीब किस्सा है, चूड़ियां। अब आपने दुनिया भर में महिलाओं को हाथों में चूड़ियां पहनते हुए देखा होगा, लेकिन म्यांमार में महिलाएं हाथों की जगह गर्दन में चूड़ियां पहनती हैं। इनका ऐसा मानना है कि जितनी लंबी गर्दन होगी वो उतनी ही ज्यादा खूबसूरत और अट्रैक्टिव दिखेंगी। इसीलिए देश में 5 साल की उम्र से ही लड़कियों को ये चूड़ियां गले में पहनाई जाती हैं। ये चूड़ियां पीतल के कुंडल से बनी होती हैं और इन्हें मेनली यहाँ कायन लाहवी जनजाति की महिलाएं ही पहनती हैं। खूबसूरत दिखने के लिए यहाँ की महिलाएं एक खास तरह की क्रीम, जिसे थनाका कहा जाता है, हमेशा 24 घंटे अपने गाल पर लगाकर रखती हैं। म्यांमार में किसी भी बच्चे का जब जन्म होता है तो उसका नामकरण 7 दिनों के अंदर नहीं किया जाता है। जब 7 दिन पूरे हो जाते हैं तभी नवजात शिशु को नाम दिया जाता है। इस देश में प्रेग्नेंट लेडी केला और मिर्ची ये नहीं खा सकती है। दरअसल यहाँ ऐसा कहते हैं कि केला खाने से बच्चे का आकार लिमिट से ज्यादा बढ़ जाएगा, जबकि मिर्ची उसके गंजे होने की वजह बनेगा। और म्यांमार में अगर आप जाएं तो सोमवार शुक्रवार को भूल के भी बार्बर की दुकान पर जाकर बैठ मत जाइएगा, क्योंकि यहाँ सोमवार और शुक्रवार को बाल काटना अशुभ माना जाता है। साथ ही किसी का जन्मदिन है तो उस दिन भी वो अपने बाल नहीं कटवा सकता। अब ये सुनने में आपको थोड़ा और अजीब लग सकता है। अब मान के चलिए, दुनिया भर में जहाँ चाय की चुस्कियाँ ली जाती है, वहीं म्यांमार में चाय खाई जाती है। असल में देश में लाहपेट थोके नाम की एक बहुत ही फेमस डिश बनती है, जिसमें चाय की पत्तियों का भी इस्तेमाल किया जाता है। खाने के बाद पीने की बात करें तो म्यांमार में बियर के शौकीनों की कमी नहीं है। इनफैक्ट इस देश की अपनी एक पुरानी, या ये कहें तो नेशनल बियर भी है। सोचो, नेशनल बियर, वाह, जिसे म्यांमार बियर भी कहा जाता है। इस बियर का टेस्ट बहुत ही अच्छा बताया जाता है। देश की पारंपरिक पोशाक भी है, जिसे लोंगी कहा जाता है, जिसे देश में लगभग सभी लोग पहनते हैं। म्यांमार के लोगों का मानना है कि लोंगी पहनने में आरामदायक होती है और इसे पहनने से आपका गुड लक साथ में रहता है। यानी कि आप कह सकते हैं कि यहाँ के लोग कुछ ज्यादा ही अंधविश्वासी हैं। वैसे तो गौमूत्र को हिंदू धर्म में काफी पवित्र माना जाता है, लेकिन इसका सबसे ज्यादा यूज म्यांमार में होता है। अब आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन म्यांमार वासी रोज सुबह अपनी आँखों को गौमूत्र से साफ करते हैं, सोचो, ताकि वो कभी भी खराब न हो। क्या आप ऐसा करना चाहेंगे? बाय द वे, कमेंट करके बताना। इस देश में गौमूत्र चिकित्सा का इस्तेमाल भी होता है, जिससे
है कि ये लोग सीधा गौमूत्र को पीते हैं ताकि हर तरह की बीमारी से दूर रहे। मतलब गाय ने गौमूत्र का दान किया और इन्होंने ग्लास में भर के गटक लिया, काइंड ऑफ ऐसा करते हैं। लेकिन बावजूद इसके म्यांमार में एड्स और एचआईवी जैसी बीमारियां सबसे ज्यादा पाई जाती हैं। दोस्तों म्यांमार में हर साल अप्रैल के महीने में नए साल का जश्न मनाया जाता है और देश का नया साल काफी अनोखा होता है क्योंकि नए साल की शाम को म्यांमार के लोग थिंगयान नाम का बहुत ही फेमस त्योहार मनाते हैं जिसमें ये एक दूसरे के ऊपर पानी फेंकते हैं। दरअसल इसके पीछे भी एक मान्यता है, ये मानते हैं कि नए साल पर एक दूसरे पर पानी फेंकने से दुर्भाग्य उनसे दूर हो जाएगा। बौद्ध धर्म का बोलबाला होने के चलते आपको इस देश में कई बौद्ध प्रतिमाएं और स्तूप देखने को मिलेंगे। देश का श्वेडागोन पैगोडा दुनिया भर में फेमस है। झिलमिलाता हुआ ये गोल्डन स्तूप ना सिर्फ सोने की लेयर से ढका हुआ है बल्कि इसका शिखर 4,500 से भी ज्यादा हीरों से सजा हुआ है जिनमें सबसे बड़ा हीरा 72 कैरेट का है। म्यांमार को दोस्तों स्वर्ण भूमि या गोल्डन लैंड के तौर पर भी पहचाना जाता है। यहां जैसे ही आप यांगून और मांडले से होकर गुजरेंगे वैसे ही आपकी आंखों में सोने की चमक झलक उठेगी क्योंकि इन शहरों में कई स्तूप और पैगोडा हैं जिन्हें सोने से मढ़ा गया है। मांडले के आसपास पहाड़ियों पर 700 से भी ज्यादा सोने के मंदिर हैं जबकि बगान शहर के आसपास 200 से मंदिर और पैगोडा के खंडहर हैं। इस शहर के लोग सोने का इस्तेमाल खाने में भी करते हैं और चेहरे की रंगत निखारने में भी करते हैं। फेस पैक तो आपने देखे ही होंगे, उनमें भी आपको यहां सोने की चमक देखने को मिल जाएगी। पर अफसोस कि इतना सोना और समृद्ध होने के बाद भी भ्रष्टाचार म्यांमार पर कलंक लगाने का काम करता है। देश में भ्रष्टाचार इतना ज्यादा है कि यहां छोटे से छोटे काम को करवाने के लिए भी आपको चाय पानी का खर्चा सामने वाले को देना होगा कि भैया काम तो कर दो। लेकिन कहते हैं कि इस देश में लोग सरकारी नौकरी भी इसीलिए करते हैं ताकि उन्हें अंडर द टेबल मनी मिलती रहे। हालांकि इसका असर देश की गरीब जनता पर खूब पड़ता है जो गरीब की गरीब ही रहती है। हालांकि हाल ही में जारी की गई एक रिपोर्ट में म्यांमार दुनिया के सबसे भ्रष्ट देशों में शुमार किया गया है। म्यांमार की जीडीपी मुख्यतः कृषि पर डिपेंडेंट है। देश की मुख्य फसल चावल, देश की कुल आबादी में से 40% लोग खेती करके अपना पालन पोषण करते हैं। म्यांमार से चावल सहित अन्य अनाज भी दुनिया भर के देशों को एक्सपोर्ट किया जाता है। इसके अलावा ये देश थाईलैंड को नेचुरल गैस का भी निर्यात करता है। इस देश से जुड़ी सबसे खास बात यह है कि इसे चाइना खूब सपोर्ट करता है जिस वजह से म्यांमार की अर्थव्यवस्था तो बची रहती है लेकिन चाइना के बारे में इतना तो हम सभी जानते हैं कि ये देश बिना मतलब के किसी की मदद नहीं करता है। यहां भी कुछ ऐसा ही है। म्यांमार में जब भी तख्ता पलट होता है उसके पीछे चीन का ही हाथ बताया जाता है जो तख्ता पलट के पीछे अपने मंसूबों को कामयाब करता है। वैसे इकोनॉमी की बात की जाए तो आपको बता दें कि म्यांमार के लोगों के बीच में फिशिंग काफी फेमस है। यहां के लोग मछली पकड़ने का काम भी खूब करते हैं और ना सिर्फ पकड़ते हैं बल्कि उसे दूसरे देशों में एक्सपोर्ट भी करते हैं। इस देश की समस्या है अफीम की खेती। यस, यहां अफीम का उत्पादन बड़े पैमाने पर होता है और अफीम की खेती के चलते यहां ज्यादातर युवा बस नशे का शिकार हो चुके हैं जिसका सीधा असर पड़ता है देश की अर्थव्यवस्था और युवाओं के भविष्य पर। नशीली दवाओं का सेवन करने से युवा ना सिर्फ आपे से बाहर होते हैं बल्कि इन कामों के चलते यहां महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध और हिंसक मामले भी बढ़ जाते हैं। म्यांमार में दोस्तों सैकड़ों पहाड़ मौजूद हैं और इनमें से ज्यादातर पहाड़ ऐसे हैं जिन पर कीमती पत्थर पाए जाते हैं। कीमती और अनोखी चीजों के मामले में म्यांमार काफी लकी साबित होता है क्योंकि ये दुनिया के उन चुनिंदा देशों में शुमार है जहां मैंगो स्टीन पाया जाता है। ये ट्रॉपिकल सुपर फ्रूट है जो संतरे और आड़ू का मिला जुला टेस्ट देता है। म्यांमार को पक्षियों का स्वर कहा जाता है क्योंकि इस देश में 800 से भी ज्यादा पक्षियों की प्रजातियां रहती हैं। इसके अलावा यहां गाय, बैल, भैंस, हाथी जैसे कई बड़े जानवरों का भी बोलबाला है। म्यांमार को पर्यटन के लिहाज से एक आदर्श देश माना जाता है जहां आप 15 से 20 रुपए में किसी भी कैफे में बैठकर मस्त नाश्ते का मजा ले सकते हैं। और तो और पेट भरना है तो 60 से 70 रुपए में एक वक्त का खाना मिल जाता है। दोनों वक्त का खाना आपको मुश्किल से 150 रुपए में पड़ेगा, तो है ना फायदे का सौदा। देश में पर्यटन के लिए ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी काफी सस्ता है। हालांकि यहां गाड़ी चलाने वालों को काफी परेशानी होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि पहले इस देश में लेफ्ट हैंड पर गाड़ियां चलाने का नियम था लेकिन अचानक से पता नहीं क्या हो गया कि 1970 में इस नियम को बदलकर राइट हैंड का नियम बना दिया गया और जितनी भी बाएं हाथ की गाड़ियां थी उन्हें बैन कर दिया गया। ये क्या बात हुई यार। वैसे ऐसे अजीबोगरीब बदलाव तो देश में होते ही रहते हैं। चलिए हम घूमने की जगहों की बात कर लेते हैं। म्यांमार में सबसे पहले आप यांगून जाइएगा जहां का सुले पगोड़ा आपका दिल खुश कर देगा क्योंकि शहर के बीचों बीच शांति का एहसास सुले पगोड़ा से बढ़िया और कहीं हो ही नहीं सकता है। अगर आप पैदल यात्रा करना पसंद करते हैं तो माउंट पोपा से बेहतर कुछ भी नहीं है क्योंकि मांडले की वर्ल्ड फेमस ये जगह अपना अस्तित्व खो चुकी ज्वालामुखी तक आपको ले जाएगा जहां से मैदानी इलाकों का मनमोहक दृश्य ओए होए 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 अद्भुत है। व्यूज के अगर आप शौकीन हैं तो आपको माउंट पोपा के बाद सीधे मैक्लियोड आइलैंड पर जाना चाहिए। लेकिन मांडले पैलेस को निहारने के बाद महाबंडुला गार्डन भी है जो आपको यांगून में ही देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा यू बेन ब्रिज भी खूबसूरती की मिसाल है और कलाव देखकर तो आपको अपनी ट्रिप वसूल महसूस हो जाएगी। देश की करेंसी है म्यांमार क्यात और सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे होने पर आपको 6 से 7 दिन में म्यांमार का वीजा मिल जाएगा और इतने ही दिन घूमने के लिए आपको यहां पर 30,000 रुपए से कम चाहिए होंगे। बस यस, मस्त घूमो, मजे करो सस्ते में। तो दोस्तों ये था म्यांमार देश। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो और ये देश का सफर दोनों ही पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर करने के साथ ही साथ चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।